पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए गए हैं। तोशाखाना विवाद अगस्त 2022 में सामने आया था, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने इमरान के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने तोशाखाना को दिए गए उपहारों के बारे में जानकारी नहीं दी और पूरी तरीके से खुलासा भी नहीं किया। कुछ उपहारों की अवैध बिक्री से उन्होंने आय भी प्राप्त करी, ऐसे भी आरोप उन पर लगे। इसके अगर हम ये तोशाखाना मामलों की नियमों की बात करें तो इसके नियमों के मुताबिक अधिकारियों को मिले उपहारों और ऐसे अन्य सामग्रियों की जानकारी कैबिनेट डिवीजन को देना अनिवार्य है, ऐसा पाकिस्तान में नियम है। इमरान खान पर 2018 से 2022 के दौरान प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर सरकारी उपहारों की खरीद और बेचने के लिए अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया गया। ये उपहार इमरान खान को विदेशी यात्राओं के दौरान दिए गए थे। अनुमानित उनकी जो कीमत है वो 140 मिलियन से अधिक रुपए बताई जा रही है, पाकिस्तानी रुपया। इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र न्यायालय यानी अदालत ने इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई और 5 साल के लिए उन पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान में 121 मामले दर्ज किए गए हैं अब तक, जिसमें देशद्रोह और ईशा निंदा जैसे बड़े अपराध शामिल हैं। यही नहीं, इसमें हिंसा और आतंकवाद के साथ साथ सेना के विरुद्ध भड़काने का आरोप भी इमरान खान के ऊपर लगा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था तब पाकिस्तान में भारी हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के बाद पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सेना पर उन्हें हिरासत में लेने का आरोप लगाया गया था। यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान की जनता के निशाने पर वहां की सेना थी। देश भर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर तक को बंद कर दिया गया था, यानी कि पूरी तरीके से वहां पे लॉकडाउन लगा दिया था सोशल मीडिया पे। पर इस बार ऐसा कुछ देखने को खास मिल नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब बिखर जाएगा? क्या पाकिस्तान के जल्द टुकड़े हो जाएंगे? क्या कभी दोबारा इमरान खान चुनाव लड़ पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो पाकिस्तान की जनता भी जानना चाहती है और विश्व में तमाम देश भी जानना चाहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अस्थिर देश बन चुका है। पाकिस्तान इस वक्त जो है सिविल वॉर की दहलीज पर खड़ा है। किसी भी वक्त इस देश में एक छोटी सी चिंगारी लगेगी और ये देश टुकड़ों में बिखर जाएगा। आपको क्या लगता है, इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर आपकी क्या राय है? और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार इमरान खान भड़का नहीं पाकिस्तान, क्योंकि इस बार ज़्यादा हिंसक घटनाएं पाकिस्तान में देखने को नहीं मिली, क्योंकि इस बार पाकिस्तान की आर्मी ने भी जो है अपनी जो व्यवस्था है बड़ी चाक चौबंद कर ली थी और किसी भी तरह की हिंसक घटना से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार भी थे। आपको क्या लगता है, इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है उसका दुनिया भर में क्या असर पड़ने वाला है? क्या इससे भारत के ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी कि क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।